फाइनली पूरे दो दिन लेट होने के बाद आज आपके समक्ष आया हूँ मध्य प्रदेश की काउंसलिंग की पूरी ब्रीफिंग लेके। पूरी आसान भाषा में समझाऊंगा, अच्छे से सारा का सारा शेड्यूल भी समझाऊंगा और सारा प्रोसेस भी साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे क्या चलेगा। उम्मीद करता हूं और मेरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप MPDT के बारे में छोटी से छोटी बात भी आप YouTube पे सर्च नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। बस इस वीडियो को आप एंड तक देख लो। बस देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, मैंने थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे लिख ली है क्योंकि हो सकता है कुछ बातें मैं भूल जाऊँ वीडियो बनाने के दौरान बताने के दौरान, इसलिए मैंने लिख लिया। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, आपको साइड में भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही होंगी, उसको देख के भी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, लेकिन हाँ मेजर पॉइंट्स ही आपको साइड में दिखेंगी। मेरी बातों पे आप गौर करना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये सारा प्रोसेस, लेकिन हाँ चीज़ें ऐसे चलती है। सबसे पहले हम लोग MPDT काउंसलिंग के अंदर हमारे पास मेजोरिटी चार राउंड, अगर हम कहें चार स्पेसिफिकली तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कहना। राउंड वन होता है हमारे पास राउंड टू होता है, हमारे पास इंटरनल ब्रांच चेंज करके भी होता है और हमारे पास कॉलेज लेवल की काउंसलिंग भी होती है। अभी इतनी मेजोरिटी है, अभी जज मत करना, सुनो ध्यान से। राउंड वन के लिए हम लोग जो है अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, 15 जून से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, ये चीज़ 23 जुलाई तक हम लोग कर सकते हैं। 15 जून से लेकर के 23 जुलाई तक साइड में आपको दिख रहा होगा हम लोग पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे चॉइस फिलिंग करेंगे हम लोग 5 जुलाई से 27 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन चल रही होगी लेकिन 5 जुलाई से साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 27 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान हमें एक भी पैसा पे नहीं करना है, हमें चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ पे 1530 रुपये पेमेंट करने हैं। कितने? 1530 रुपये। चॉइस फिलिंग वही कर पाएगा जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या आएगा, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे, अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो आप कैटेगरी अपलोड करोगे, आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो वो वेरिफिकेशन होता है, वो वहाँ से आपको वेरीफाई करेंगे जो वहाँ के अथॉरिटी हैं और आपको मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बिन वेरीफाइड, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्परेंसी पाई गई है तो उसको आप रिजॉल्व करके दोबारा वो अपलोड करोगे, ये चीज करोगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड MP हैं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है इस चीज को करने का, उसको आप ध्यान रखें, ठीक है, आपका डन है सब कुछ, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर लिया मैंने 5 जुलाई से 27 जुलाई तक। भैया अब आगे क्या होगा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, चॉइस फिलिंग मैंने कर लिया, चॉइस फिलिंग कैसे क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट आपकी 3 अगस्त को अलॉटमेंट आएगी। देखो भैया, MPDT की काउंसलिंग में इतना लेट इन्होंने कर दिया है, इतना लेट कि 3 अगस्त को जो है कहीं ना कहीं इनकी अलॉटमेंट ही आ रही है। कई काउंसलिंग तो अगस्त तक ख़त्म हो जा रही है, तो ऐसे ना करो भैया, लेकिन 3 अगस्त तक इनकी अलॉटमेंट आएगी। अब अलॉटमेंट आने के बाद क्या होता है ना, पहले राउंड की अलॉटमेंट जो है, पहला राउंड आपका मेजर राउंड होता है। अगर आप कोई भी विद्यार्थी सोच रहे हो कि मैं सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करूँगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा उसमें करूँगा, नहीं नहीं नहीं, आप पहले राउंड के अंदर करें पार्टिसिपेट अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो, ठीक है। आपका जनरल राउंड और TFW के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये राउंड आपके लिए बेस्ट राउंड होगा। इसके बाद कहीं ना कहीं अपग्रेड के लिए आप डाल सकते हैं कि भैया मुझे जो कॉलेज मिला है ना, मुझे मान के चलो कि मुझे मिल गया सती विदिशा सम्राट अशोक विदिशा के अंदर मुझे मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे CSE मिल जाए या AIML मिल जाए वहाँ पे, तो मैं अपग्रेड के लिए डाल दूंगा। मैंने जो चॉइस फिलिंग करी होगी मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको सफल कर सकता हूँ। मैं मान लो सती विदिशा का AIML ऊपर है, उससे ऊपर CSE, तो मैं CSE को थोड़ा नीचे ला करके इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन कोई अगर मैं चाहूँ कि कॉलेज ऐड कर दूँ इसमें, इससे कोई कॉलेज रिमूव कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है आपके अंदर यहाँ पे, ठीक है। और जो कॉलेज आपको मिला होगा उससे ऊपर के कॉलेज आपको मिल सकते हैं अपग्रेड के अंदर, ये पॉसिबिलिटी होती है। और अगर आपका अपग्रेड होता है फिर भी नहीं होता है, फिर भी आपको फी पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। अपग्रेड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेसिकली 1030 रुपये की पेमेंट यहाँ पे करनी होगी, ठीक है, 1030 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। बात समझ में आ चुकी है इतनी। अब अपग्रेड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होती जाएंगी, जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है 5-6 दिन के अंदर आपको जो है जो कॉलेज आपको मिला होगा वहां से आपको ईमेल या फिर आपको एक कॉल आ जाएगा, आपको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया जाएगा। भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो वो लोग बुलाएंगे तो कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर होगा, चलो भाई जो अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहां पे बुलाएंगे तो आपको सिंपल अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं।
कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके, सारी की सारी ओरिजिनल लेके जानी है, इस बात को ध्यान रखें। पहली बात, आपको 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है। नहीं आई मार्कशीट तो आप सिंपल जो आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया था, जो प्रिंट आउट आता है आपका बोर्ड का, तो वो ले लोगे आप, चल जाएगा काम, या फिर आपका डिजी लॉकर वाला चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका, आपका जो है कैटेगरी अगर कोई लगती है मध्य प्रदेश के अंदर, वो ले लोगे। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका एमपी के हो तब ले लोगे, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एमपी के हो तब ले लोगे, इतनी चीज़ें ले लोगे। अगर आपने गैप ले रखा है एक साल का या दो साल का, तो आप गैप ईयर एफिडेविट बनवा लोगे, सिंपल नोटरी वाले के पास जाओगे, बोलोगे भैया मैंने जेईई दिया था, मैंने एक साल गैप लिया था, वो बना के दे देगा। उन लोगों के पास बहुत लोग आते हैं बनवाने, बना देगा वो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, वो आप ले लोगे। इतनी चीजें लेने के बाद आपका एडमिशन बड़े आराम से, बड़े प्यार से वहां पे हो जा रहा होगा। इस बात को हम लोग समझ गए। अभी हमने बात करी राउंड वन तक की, राउंड वन के बाद आगे बढ़ते हैं राउंड टू के लिए। राउंड वन मेजर राउंड है, राउंड टू तो ऐसे ही फालतू में हो जा रहा है, उसका ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस है नहीं। अगर आपको राउंड वन में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राउंड टू में उससे अच्छा मिलेगा, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। राउंड टू की बात करते हैं। राउंड टू की रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक चलेगी। आपका 3 अगस्त को अलॉटमेंट आया था पहले राउंड का, 4 अगस्त से 17 अगस्त तक। इसके लिए चॉइस फिलिंग आप करोगे 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, और इसकी अलॉटमेंट आएगी 26 अगस्त को। समझ में आ गई बात सारी चीज़, क्योंकि मैंने राउंड वन का अच्छे से बता दिया, राउंड टू को आप शायद से समझ जाओगे। यहाँ पे दिख रहा होगा डेट वगैरह, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद भी रख सकते हो, कई लोग याद रख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्या राउंड टू का भी अपग्रेड राउंड होगा? नहीं होगा, राउंड टू का कोई अपग्रेड राउंड नहीं होगा। इसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होगी, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग पूछ लेते हैं कि क्या भैया 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, आपकी राउंड टू के पैरेलल में, पैरेलल मतलब साथ ही साथ, राउंड टू के साथ ही साथ आपकी जो है एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ड राउंड होगी। 12th के बेसिस पे आपकी राउंड होगी, जिसमें आप 20 जून से लेकर के, इस 20 जून 20 अगस्त नहीं 20 जून से लेकर के 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी टोटल 2 महीने आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको करना है 2 महीने बाद। जब बहुत लोग भूल जाएंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया था, तब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 5 अगस्त से 21 अगस्त तक, ठीक है। 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपकी क्वालिफाइंग 12th के बेस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन 12th के बेस पे मत अप्लाई करना अगर आपके पास जेईई मेंस का एक वैलिड स्कोर है, क्योंकि जब जेईई के लिए सीट खत्म हो जाती है तब 12वीं वालों को दे दिया जाता है। बात यह है, अलॉटमेंट आपकी 26 अगस्त को, जिस दिन राउंड टू की आएगी उसी दिन आपकी इसकी भी अलॉटमेंट आ जाएगी। बात समझ में आ गई? सेम एडमिशन प्रोसीजर सेम होगा, डॉक्यूमेंट सेम रहेगा। इतनी बातें तो भैया मुझे सभी यूट्यूबर्स ने बताई, सभी लोगों ने बताई, मैं समझ चुका हूँ इतनी बातें। आगे की बातें बताओ। ओके आ जाओ, इंटरनल ब्रांच चेंज की बात करेंगे, इंटरनल ब्रांच चेंज की बात करेंगे। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, राउंड टू के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 1530 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर आपने जो है पहले रजिस्टर करा था, या तो कॉलेज नहीं लिया था, या आपने जो है कॉलेज मिला नहीं था, तो आपको जो है 1130 रुपये ही लेंगे, 400 रुपये आपको माफ़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज के ऊपर में। इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो 26 अगस्त से लेकर के, 26 अगस्त को आपका जो है राउंड टू का अलॉटमेंट आया है, 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल ब्रांच चेंज मतलब भैया अगर आपने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, तो उस कॉलेज के अंदर अगर आप ब्रांच को सफल करवाना चाहते हो, मुझे जेईसी जबलपुर में मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मिली है, क्या मुझे आईटी मिल सकती है? नहीं मिलेगा आईटी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि मैकेनिकल तक मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स तक मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप सफल के लिए इंटरनल ब्रांच चेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए आप चॉइस फिलिंग 26 अगस्त से 31 अगस्त तक करते हो, और अलॉटमेंट आपका 4 सितंबर को आ जाएगा। अब 4 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा, इंटरनल ब्रांच चेंज कंप्लीट। इसके बाद मेन राउंड आता है अपना, इसके लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेट देखूंगा, और उसके बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा ये राउंड क्या होता है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग सेवियर है ये, जो लो रैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वरदान की तरह है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, आप सभी के लिए वरदान की तरह। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, तो आपके लिए सेवियर है ये, जान बचाने वाला है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। मैं बताता हूँ, पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन जो है 2 राउंड होंगे इसमें, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक पहले राउंड के लिए, 11 सितंबर से 15 सितंबर तक दूसरे राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो सीएलसी राउंड के लिए। मतलब सीएलसी के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं 1000 रुपये की फ़ी आपको देनी होती है। इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूँ,
ओके तो आप रजिस्टर करते हो, इसके बाद क्या करना होता है? अगर आपने रजिस्टर कर दिया, सिंपल आपको जो है कन्फर्मेशन लेटर ले लोगे आप, और 4 से लेकर के आपको जो 8 तक जो रजिस्टर करने का डेट था, उस दौरान आपको जो है जितने भी कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनकी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। वहाँ पर आप जाओगे, उपस्थित होगे कॉलेज के अंदर, आपको पहले जो है ब्रांच दिख जाती है, कॉलेज दिख जाता है कि कितनी सीट्स कहाँ पर खाली है, वेकेंट सीट की लिस्ट पूरी आपको दिख जाती है। उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे अपनी रैंक के बेसिस पे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे मेरी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगी। मान लो आपकी रैंक है 1 लाख के आसपास और आपको चाहिए सीएससी ब्रांच, तो आप या तो सम्राट अशोक विदिशा के अंदर जाओगे, या फिर MITS ग्वालियर के अंदर जाओगे, या फिर कोशिश करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ही JEC जबलपुर में मुझे मिल जाए, तो वहाँ पर आप जाओगे। तो ये चीज़ आपके पास इस तरीके के चांसेस रहते हैं, और वहाँ पर आप जाके कहीं भी आप जा सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है। बस आपको कन्फर्मेशन लेटर जो आपने CLC के लिए अप्लाई किया था वो जाके आप जा सकते हो किसी भी कॉलेज के अंदर, और आपका एडमिशन वहां पे बड़ी इजीली हो जाता है। एक फैक्ट की बात बताऊं तो अगर आप मध्य प्रदेश से हो, आपकी कैटेगरी है EWS OBC SC ST कुछ भी, तो आपको 4-4, 5-5 लाख रैंक पे अच्छे रेपुटेटेड कॉलेजेस के अंदर अच्छी ब्रांचेस मिल जा रही होती है CLC राउंड के अंदर, उसको आप कंसिडर करोगे। उसके बाद दूसरा राउंड जैसे 12 से 16 था या जो भी था यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो पहला आपका मिस हो गया तो दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस बात को खासा ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ पहली बार में ही आप ग्रैब करने की कोशिश करें पूरी काउंसलिंग के दौरान। एक बार छूट गया तो दोबारा मौका नहीं देते हैं, जो ऑडियंस बैठी है, जो लोग बैठे हैं, वो आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, इस बात को आप समझे, क्योंकि जनता बहुत सारी है, लोग कूद पड़ते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर में, तो मिस करने की कोशिश ना करें। चैनल से अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेकिन इससे भी ऊपर की एक चीज़ दोबारा बताऊँगा, आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल मध्य प्रदेश के अंदर करीब 40 से ज़्यादा बच्चे हमारी प्रीमियम काउंसलिंग से जुड़ चुके हैं, और आपके लिए 20 जून तक का डेडलाइन है। 20 तक आप अप्लाई करते हैं तो 400 रुपये के अंदर आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग, पूरी मतलब राउंड 1, राउंड 2, अपग्रेड, क्वालिफाइंग के बेसिस पे भी आप करना चाहोगे, इंटरनल ब्रांच चेंज, CLC राउंड, सारी की सारी प्रोसेस सिर्फ 399 के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवा दी जाएगी। और एक बात और समझो कि जो भी ये सारी प्रोसीजर होगी वो आपकी एकदम वेब बेस्ड इंटरैक्टिव मोड में होगी। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करोगे, वहाँ से सारी की सारी चीज़ों को सिमुलेट करोगे, एक्सेस करोगे, और सारी की सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होंगी, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात मैं बताऊं, अगर आप 20 जून तक कर पाते हो फिर तो ठीक है, नहीं तो 20 जून के बाद इस चीज़ की प्राइस 599 हो जा रही होगी, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। ये वीडियो भी मैंने बनाया और बहुत ही डिटेल में मैंने MPDT के बारे में समझाया, शायद ही इतना डिटेल में आप जाने होंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी डाउट आती है कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि भैया आप ये पॉइंट बताना मिस करेंगे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो अगर आप कमेंट में बताते हैं तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा इस बारे में। बाकी एक बार प्रीमियम काउंसलिंग के बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम प्राइसिंग है, बहुत कम है, और इस चीज़ को जो है आप परचेज कर सकते हैं, मुझे पता है, और करें बिल्कुल जल्दी से जल्दी। एंड थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताएं कि MPDT काउंसलिंग कैसे चलती है, सारी के सारी प्रोसेस पूरा शेड्यूल के साथ एक्सप्लेन करें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।